प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि देव के फल को लेकर। अर्थात शनि देव हमारी जन्म कुंडली के कौन से भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल हमें प्रदान करते हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका खोलकर देख सकते हैं कि शनि देव कौन से भाव में बैठे हुए हैं। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, किसी भी भाव में कोई भी राशि हो सकती है। आज हम शनि देव के सामान्य फलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि आपको शनि देव किस प्रकार का फल प्रदान कर रहे हैं। आइए एक ही मिनट में शनि देव की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शनि देव मकर एवं कुंभ राशि के स्वामी कहलाए जाते हैं। मकर राशि में बैठ करके अपनी स्वराशि के फल जातक को प्रदान करते हैं, वहीं कुंभ राशि में बैठ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि के फल जातक को प्रदान करते हैं। अर्थात जब शनि देव कुंभ राशि में बैठे होंगे तो मकर राशि की अपेक्षा श्रेष्ठ फल जातक को प्रदान करेंगे। शनि देव तुला राशि में 20 अंश तक परम ऊंच के होते हैं, अर्थात श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। वहीं मेष राशि में 20 अंश तक परम नीच के हो जाते हैं। अब शनि देव के पास 3 दृष्टियां हैं, अपने से तीसरे भाव को, अपने से सप्तम, अपने से दसवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें, 10वें एवं 12वें भाव के कारक बताए गए हैं। वहीं सप्तम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बल की प्राप्ति शनि देव को सप्तम भाव से मिल जाती है। काल पुरुष में शनि देव को रोग एवं पीड़ा या फिर दुख का कारक बताया गया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि शनि देव से सिर्फ रोग और पीड़ा का ही विचार होता है। ये सिर्फ जातक को रोग और पीड़ा ही देते हैं, दुख ही देते हैं। शनि देव बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं जातक को दिलाते हैं यदि जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे हैं। यदि बलाबल में शुभ अवस्था में शनि बैठे हैं तो जातक को एक अच्छा उद्योगपति भी बना देते हैं, बहुत बड़ा व्यापारी बना देते हैं, बिजनेस में श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाले बन जाते हैं। खासकर यदि जातक तेल संबंधित, लोहे संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल की वस्तुएं जो होती हैं उनसे संबंधित, शराब संबंधित, खेती क्षेत्र संबंधित, खेती के जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित यदि कोई भी बिजनेस करता है तो उसमें श्रेष्ठ सफलता शनि जातक को दिलाते हैं। शनि जातक को श्रेष्ठ सवारी का सुख भी दिलाते हैं, भूमि भवन वाहन हर चीज का सुख जातक को प्रदान करते हैं। समाज के अंदर जातक को प्रसिद्धि भी दिलाते हैं, मान सम्मान भी दिलाते हैं। वहीं यदि शनि देव अशुभ प्रभाव में आ जाए तो फिर जातक को परेशान कर देते हैं, व्यवसाय में भी घाटा लगा देते हैं। वहीं आय कम हो जाती हैं, खर्चे अधिक हो जाते हैं, धन की तंगी बनी रहती है, घर का वातावरण भी खराब हो जाता है, घर में भी छोटी छोटी बातों पर कलह कलेश का वातावरण बन जाता है। वहीं शत्रु जातक शत्रुओं से भयभीत रहता है, शत्रुओं का भय जातक को हमेशा बना रहता है, राजदंड का भी भय बना रहता है। शनि देव जातक से कोई ना कोई ऐसा कार्य करवा देते हैं कि जातक को समाज में अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है एवं राजदंड भी भुगतना पड़ सकता है। ये शनि देव की प्लेसमेंट पर निर्भर करता है कि शनि जन्म कुंडली में किस प्रकार से कितना बल लेकर के और किन ग्रहों से दृष्ट है। अब जब शनि का जिक्र आम जनजीवन में चलता है तो लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है कि हम पर तो शनि की महादशा चली हुई है, शनि की अंतरदशा चली हुई है, शनि की साढ़े सती या ढैया चला हुआ है, तो हमारे जीवन में पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर अवस्था में शनि बुरे नहीं होते हैं, शनि अच्छा भी करते हैं। मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियां देखी हैं, उसमें शनि की साढ़े सती में लोगों को रोड से करोड़पति बनते हुए मैंने देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हुए मैंने देखा है। और साढ़े सती में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बर्बाद हो गए हैं, जिनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई हैं। तो ये शनि देव की प्लेसमेंट पर निर्भर करता है कि शनि देव आपकी जन्म कुंडली में बैठे किस प्रकार से हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि शनि और मंगल की यदि हम बात करें तो शनि मंगल से अधिक पाप ग्रह हैं, लेकिन इनके अंतिम परिणाम का यदि हम जिक्र करें, अंतिम स्थिति को हम देखें,
तो मंगल अधिक दुखदायी होता है शनि की बजाय। ऐसा क्यों? कुछ दिन पहले मैंने आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया था। उन दृष्टियों का अर्थ क्या होता है, उस अर्थ को समझिए आप। अब मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सुख भाव को देखता है। मंगल के पास तीन दृष्टियां होती हैं, अपने से चौथे भाव को, सातवें भाव को और अष्टम भाव को देखता है। तो सबसे पहले मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सुख भाव को देखता है और अपनी सातवीं दृष्टि से दूसरे सुख को देखता है, क्योंकि सप्तम भाव भी सुख का ही होता है। मैंने एक कुछ दिन पहले भावत भावम के सिद्धांत को आपको समझाया था कि चौथे से चौथा भाव, यहां से भी हम सुख का विचार करते हैं। तो चौथी दृष्टि से पहले सुख को और सातवीं दृष्टि से दूसरे सुख को देखता है और फिर अपनी अष्टम दृष्टि से सीधा मृत्यु के भाव को देखने लग जाता है, अर्थात मृत्यु के भाव को देख लेता है। इसका मतलब क्या है कि मंगल आपको धैर्यहीन बना करके, उत्साही बना करके पहले सुखों में डालता है और जब आपके पास अनंत सुख होते हैं तो कहीं ना कहीं अहंकार की भावना तो आ ही जाती है, तो आपको अहंकारी बनाकर सुखों में डाल करके अंत में मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है। अब शनि को ऐसा क्यों कहा है कि शनि बहुत पीड़ा देने वाला ग्रह है, शनि की साढ़े सती बहुत दुखदायी होती है। लोगों के मन में हमेशा शनि के प्रति भय क्यों बना रहता है? शनि की भी तीन दृष्टियां हैं, शनि अपने से तीसरे भाव को, सप्तम भाव को एवं दसम भाव को देखते हैं। उस बात को समझिए कि शनि से भय क्यों बना रहता है, शनि सबको क्यों बुरे ग्रह लगते हैं, शनि से लोग डरते क्यों हैं। यदि आज आपने इस कार्यक्रम को ध्यान से देख लिया तो आप कभी शनि से नहीं डरेंगे। अब शनि अपनी आते ही तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है। अब पराक्रम भाव ये तो संघर्ष का भाव है, अर्थात शनिदेव आते ही आपसे संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है। अब कोई भी जातक हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़े तो दुखी तो वो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। अब इसके लिए आप शनि की साढ़े सती को भी समझिए एक मिनट के लिए। शनि की साढ़े सती क्या होती है? मान लीजिए आपकी मेष राशि है, जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको शनि की साढ़े सती लग जाती है। पहला ढैया 7.5 साल के समय को ही साढ़े सती कहते हैं। तो आपकी मेष राशि है और मीन में जब शनि प्रवेश कर जाते हैं तो आपको शनि की साढ़े सती लग जाती है, अर्थात पहला ढैया शुरू हो जाता है। और जब वो शनि आपकी राशि अर्थात मेष राशि पर आता है तो फिर वो दूसरा ढैया शुरू हो जाता है, और जब वृषभ में शनि जाता है तो वो तीसरा ढैया शुरू हो जाता है। अब आपने लोगों से सुना होगा, आम जन जीवन में इस बात की चर्चा होती रहती है कि शनि की साढ़े सती जाते जाते कुछ न कुछ हमें दे के जाती है। शनि की साढ़े सती आती हुई हमें बर्बाद करती है, लेकिन जब जाती है, जब साढ़े सती उतरती है तो जातक को कुछ न कुछ दे के जाती है। अब क्या दे के जाती है, इसका अर्थ क्या है, आप इस अर्थ को समझिए। अब यहां से जब शनि आते ही पहली दृष्टि से जातक से संघर्ष करवाता है, मेहनत करवाता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करवाता है। अब जन्म कुंडली यदि संघर्ष को लेकर के बनी है, अर्थात उस जन्म कुंडली में संघर्ष की दृष्टिकोण से जो जन्म कुंडली है वो मजबूत है, तो फिर यहां पर जातक को इतनी समस्या नहीं होती है। यहीं से पराक्रम करके जातक अच्छा खासा लाभ कमा लेता है। अगर संघर्ष को लेकर के नहीं है, संघर्ष की दृष्टिकोण से कमजोर है, तो फिर अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है तो दूसरी ढैया, दूसरा जो ढैया है या दूसरी जो दृष्टि है उसमें जातक से कोई न कोई ऐसे कार्य करवाता है कि जिन लोगों के सामने हम नजर उठा के चलते हैं, जिन लोगों की नजरों में हम महान हैं, उन्हीं की नजरों में हमें गिरा देता है, हमें झुका देता है और हमें झुकना पड़ता है। जो झुक जाता है, जो समझ जाता है, जिसका अहंकार समाप्त हो जाता है,
तो फिर शनि की जो लास्ट ढैया है, जो शनि की जाती जाती साढ़े सती है, वो जातक को दे जाती है। जो आते ही छीना था वो जाते जाते दे जाती है। यदि हम झुकते नहीं हैं, हमारा अहंकार खत्म नहीं होता है, तो फिर हमें शनि रगड़ते ही रहते हैं। शनि चाहते क्या है हमसे? शनि यही चाहते हैं कि आप झुक जाओ, आप समझ जाओ, सीख जाओ। अपने से जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो दास लोग हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, या फिर जो मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाला है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनके दिल को कभी मत दुखाओ, उनकी हमेशा सहायता करो। शनि यही चाहते हैं। शनि अहंकार का नाश करने वाले हैं, इसलिए तो मंगल और शनि में आपस में शत्रुता है। क्यों है? क्योंकि मंगल अहंकारी है। जिस जन्म कुंडली में मंगल मजबूत होता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, और शनि अहंकार का नाश करने वाले हैं, तो ये विपरीत हैं एक दूसरे के, इसलिए इन दोनों में आपस में शत्रुता है। तो आइए देख लेते हैं, शनि यदि लग्न में ही आकर के बैठ जाए, आपके व्यक्तित्व में ही आकर के बैठ जाए, यदि ये शनि तुला, मकर एवं कुंभ के हैं तो फिर तो कोई समस्या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर जातक का जो स्वभाव होता है वो कठोर होता है। जातक ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, स्वार्थी स्वभाव का होता है। जातक अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान भी करने में देरी नहीं लगाता। ऐसा स्वभाव शनि यहाँ पर बैठ करके बना देते हैं। जातक जिद्दी स्वभाव का होता है। जातक के हर काम में विलंब होता है, अर्थात देरी से होता है। कोई भी काम मान लीजिए 5 दिन में होना है तो उसमें होते 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 20 दिन लग जाएंगे। तो हर काम में शनि यहाँ पर बैठ करके विलंब करवाते हैं। कार्य क्षेत्र में भी विलंब से जातक को सफलता मिलती है। जब यहाँ से दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पर, तो तीसरा भाव पराक्रम का है। तो जातक के पराक्रम में हमेशा वृद्धि करते हैं, परिश्रमी मेहनती बनाते हैं, लेकिन जातक के जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं मतभेद खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, तो सप्तम भाव पत्नी का भाव है, तो पत्नी के साथ भी कहीं ना कहीं मतभेद कराने वाले हो जाते हैं, विवाह में विलंब करवाते हैं, देरी से विवाह की स्थिति बन पाती है। आप शनि के अंतिम परिणाम को देखिए, शुरू शुरू में शनि हर चीज में विलंब करवाता है। जो शनि का उत्तरार्ध है, अर्थात अंतिम के जो फल हैं, वो शुरुआती दौर से बहुत अच्छे होते हैं। अंत में जाकर शनि बहुत अच्छे फल देने वाला बन जाता है। शुरू शुरू में शनि आपको बहुत परेशान करता है, हर क्षेत्र में परेशान करता है, लेकिन वो आपको पीस पीस कर दुखी कर करके, मेहनत करवा करवा के आपको इतना शुद्ध बना देता है, आपके सारे पापों को धो देता है, आपको निर्मल बना देता है, और फिर वो आपको सुख देता है। तो आप शनि के जो अंतिम परिणाम है उनकी तरफ गौर कीजिए। अब यहाँ से जब शनि की दसम भाव पर जाती है, तो कार्य क्षेत्र में भी जातक को विलंब होता है। देरी से किसी भी कोई व्यवसाय वो आरंभ करता है तो थोड़ा सा देरी से उसमें उसको सफलता मिलती है। जातक के काम हो जाते हैं, हर काम होता है, लेकिन थोड़ा सा विलंब से। अब यही शनि यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो जातक की वाणी कठोर हो जाती है, जातक अपनी वाणी से शत्रु पैदा करने वाला हो जाता है, जातक के मित्र कम शत्रु अधिक होते हैं, क्योंकि जब वाणी पर शनि आकर के बैठ गया तो उसको कठोर बना देता है, कड़वा बोलने वाला बना देता है। तो कड़वी वाणी के चलते जातक के मित्रों के बजाय शत्रुओं की संख्या अधिक होती है। यहाँ परिवार में भी थोड़ा बहुत मतभेद करवा देता है, लेकिन धन की स्थिति को मजबूत बनाए रखता है। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी सुख भाव पर, माता के भाव पर, तो माता के स्वास्थ्य में भी कमी कर देता है, लेकिन भूमि भवन वाहन का सुख भरपूर मात्रा में जातक को देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा विलंब से। अब यहाँ से सप्तम दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर, तो शनि यहाँ जब देखेगा अष्टम दृष्टि से, तो जातक को अगर अशुभ प्रभाव में है तो चोट चपेट से, दुर्घटना से, एक्सीडेंट, इस तरह की छोटे मोटे एक्सीडेंट जातक को हो जाते हैं, और ये तंत्र मंत्र गुप्त अध्यात्म का भाव भी है। तो ऐसा जातक अध्यात्म का ज्ञाता हो जाता है, तंत्र मंत्रों का जानकार हो जाता है, या फिर अगर वो जानकार नहीं होता है तो तांत्रिकों के चक्कर में आकर के अपना जो संचय धन है उसको बर्बाद करने वाला हो जाता है। अब बात करें दसवीं दृष्टि की, दसवीं दृष्टि जाएगी आय भाव पर, तो आय से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जातक की आय आती रहती है, शनि आय में डिस्टर्ब नहीं करते,
थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कर देते हैं, लेकिन आय जातक की बनी रहती है। आय की दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब यही शनि तीसरे भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक अत्यंत पराक्रमी हो जाता है, मेहनती हो जाता है, संघर्ष करने वाला हो जाता है, अपने मेहनत के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। लेकिन शनि यहाँ पर बैठ करके जातक के छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद रखता है, उनके साथ उनके विचार कम मिलते हैं छोटे भाई बहनों के साथ। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी तीसरी दृष्टि ज्ञान भाव पर, पढ़ाई विद्या के भाव पर। तो जातक की जो आरंभिक शुरुआती दौर की जो विद्या है, पढ़ाई है, उसमें भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, वो भी प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाती है। जातक ज्ञानी होता है, तंत्र मंत्रों का जानकार हो जाता है। वहीं संतति की बात करें तो संतति में भी विलंब से जातक को सुख मिलता है, संतान का सुख विलंब से मिलता है। अब बात करें सप्तम दृष्टि की, भाग्य भाव पर जाएगी तो जातक इतना मेहनती और संघर्षी होगा कि अपने मेहनत और संघर्ष के बल पर भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। भाग्य उदय होगा जातक का, लेकिन थोड़ा सा विलंब से, क्योंकि शनि हर चीज में देरी करवा देते हैं। ब्रह्मांड में सबसे स्लो गति के प्लेनेट हैं शनिदेव, बहुत ही धीमी गति से चलने वाले हैं, और इस धीमी गति के चलते ही वो हर चीज में देरी करते हैं, हर चीज में विलंब करवाते हैं। अब यहाँ से जो दसवीं दृष्टि है जाएगी व्यय भाव पर, तो जातक व्यय करता रहता है, अपने सुख के लिए भोग के लिए जातक व्यय करता रहता है। यदि यहाँ पर अशुभ प्रभाव में यदि शनि बैठे हों, अशुभ प्रभाव की दृष्टि यहाँ पर जा रही हो, तो फिर जातक का जो धन होता है वो गलत कर्मों में खर्च हो जाता है, गलत चीज़ों में खर्च होने लग जाता है। अब बात करें चतुर्थ भाव की, यदि शनि देव चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाएं तो माता के स्वास्थ्य में कमी कर देते हैं, माता के साथ मतभेद जातक का करवा देते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख भरपूर मात्रा में देते हैं। शनि यदि शुभ प्रभाव में है तो श्रेष्ठ सवारी का फल देते हैं, बहुत लंबी लंबी गाड़ियों का सुख जातक भोगता है, बड़े बड़े मकानों का सुख जातक भोगता है। यहाँ पर पैतृक संपत्ति का लाभ भी जातक को भरपूर मात्रा में मिल जाता है। जब यहाँ से तीसरी दृष्टि से ऋण भाव को देखते हैं तो ऋण जातक का हमेशा बना रहता है, अर्थात जातक ऋणी बना रहता है, शत्रुओं में वृद्धि होती रहती है। अब यहाँ से दृष्टि होने के चलते शत्रुओं में तो वृद्धि शनि करवाता है, लेकिन शत्रुहंता भी बना देता है। शत्रु एवं ऋण जातक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वृद्धि तो होगी, शत्रु भी बढ़ेंगे, ऋण भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते शत्रु जातक का, क्योंकि शनि की दृष्टि शत्रुहंता बना देती है। छोटे मोटे रोग होंगे वो ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि की दशम भाव पर, तो कार्य क्षेत्र पर, तो जातक कार्य क्षेत्र में भी श्रेष्ठ सफलता हासिल करने वाला हो जाता है यदि शुभ प्रभाव में शनि बैठा है तो। श्राप संबंधित क्षेत्रों में बिल्डिंग मटेरियल की जो वस्तुएं होती हैं, या फिर तेल संबंधित व्यापार है, लोह संबंधित कोई भी व्यापार है, जातक उसमें श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। थोड़ा बहुत विलंब हो जाए लेकिन सफलता जातक को हमेशा मिलती है। अब बात करें दशम दृष्टि की लगन भाव पर, तो वही बात, जातक के हर काम होंगे लेकिन विलंब से होंगे। यदि अशुभ प्रभाव में है तो जातक स्वार्थी भी हो जाता है, झूठ बोलने वाला भी हो जाता है। शनि लगन को देखने के चलते कभी कभी ऐसा जातक से काम करवा देता है कि फिर जातक को समाज में अपमान का सामना भी करना पड़ता है, समाज में अपमानित भी होना पड़ता है, तो हर चीज में ये विलंब करवाता है। अब बात करें शनि देव यदि पंचम भाव में बैठे हों, तो पंचम भाव में बैठे हैं तो जातक की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जो संतति सुख है वो भी देरी से मिलता है, जो ज्ञान है वो हमेशा जातक का बढ़ता है, जातक ज्ञानी हो जाता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर, अर्थात पत्नी के भाव पर, तो पत्नी के साथ मतभेद शुरू हो जाते हैं, जो पत्नी का सुख है जातक को भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है, जो वैवाहिक जीवन है उसमें हलचल मच जाती है। यदि अशुभ प्रभाव से शनि यहाँ पर देख रहे हैं तो फिर कभी कभी, क्योंकि शनि विच्छेदात्मक ग्रह है, तो ये पत्नी से विच्छेद भी करा देते हैं, विवाह को तोड़ने का काम भी शनि कर देते हैं यदि अशुभ प्रभाव में शनि है तो। अब यहां से बात करेंगे सप्तम दृष्टि की आय भाव पर, आय की दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जातक अपने ज्ञान से, जातक ज्ञानी होगा,
अपने ज्ञान से आय के साधन एक से अधिक बनाता रहता है। आय के दृष्टिकोण से जातक को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन आय आती रहेगी। आय में किसी प्रकार की शनिदेव यहाँ से देखते हुए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं करते हैं। अब बात करें दशम दृष्टि की। दशम दृष्टि से धन भाव को देखते हैं। अब धन की स्थिति अच्छी होती है, लेकिन परिवार में, क्योंकि कुटुंब का भाव भी है, परिवार में मतभेद होने की संभावना रहती है, लेकिन ये मुख का भी है। तो यहाँ से जब शनि देखेंगे अशुभ प्रभाव से, तो फिर जातक को मुख संबंधित, दांत संबंधित रोग जातक को दे देते हैं। यदि शुभ प्रभाव में है तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वाणी को कठोर बना देंगे। अब बात करें शनिदेव यदि छठे भाव में आकर के बैठ जाए, तो यहाँ पर शनि आकर के बहुत अच्छा करते हैं। जातक के ऋण को बढ़ाते हैं, जातक के शत्रुओं को बढ़ा देते हैं। जातक के ऋण और शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकते, नुकसान जातक का कुछ भी नहीं कर सकते। शत्रुओं के पीछे आप मत भागिए, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। छोटे मोटे रोग होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। शनि यहाँ पर बैठकर गुप्त अंगों पर रोग दे सकते हैं, छोटे मोटे रोग जातक को दे सकते हैं, श्वास संबंधित रोग दे सकते हैं, घुटनों संबंधित, क्योंकि शनि हमेशा घुटनों से संबंधित रोग, पैरों से संबंधित, जंगा से नीचे नीचे का जो भाग है उस संबंधित रोग अधिक देते हैं। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का विचार भी हम शनि से ही करते हैं, लेकिन वो कुछ योग होते हैं, कुछ दुर्योग होते हैं। शनि बहुत ही बुरी अवस्था में होता है तब जाकर के ऐसा देखने को मिलता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बैठे शनि आपको शत्रुहंता बनाते हैं। ऋण चाहे कितना भी हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान आपको होने नहीं देते हैं। अब यहाँ से जब तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, तो वही बताया, अगर अशुभ प्रभाव में है तो दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट चपेट, या फिर तंत्र मंत्रों का जानकर ज्ञाता हो जाता है, या फिर किसी तांत्रिक के चक्कर में आकर अपने संचय धन का नाश करने वाला हो जाता है, अध्यात्म का अच्छा जानकार बन जाता है। और अगर अशुभ प्रभाव में है तो जातक को सामान्य से अधिक संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में हर चीज को पाने के लिए। वो जातक, चाहे वो व्यापार हो चाहे नौकरी हो, सफल होने के लिए जातक को बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मान लीजिए जातक 100% मेहनत करेगा तो उसको 20% रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ से शनि देख करके बना देता है। अब यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है जाएगी व्यय भाव पर, तो जातक का व्यय करवाएगा, बहुत अधिक मात्रा में व्यय करवाएगा, लेकिन जातक अपने भोग के लिए, अपने सुखों के लिए व्यय करेगा। यदि अशुभ प्रभाव में है तो फिर कोर्ट कचहरी न्यायालय संबंधित जातक के व्यय करवाएगा, जातक से कोई ना कोई ऐसा कर्म करवा देगा कि जातक का जो संचय धन है, जो पैसा है, वो कोर्ट कचहरी में खर्च होता रहेगा। या फिर शनि यदि अशुभ प्रभाव में है तो कभी कभी जेल यात्रा तक भी जातक पहुंचा देता है, राजदंड भी जातक को मिलता है, अपमानित भी जातक को होना पड़ता है। लेकिन जातक अगर शुभ प्रभाव में है तो कोई सॉरी यदि शनि शुभ प्रभाव में है तो फिर कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब यहां से जो दशम दृष्टि है वो जाएगी तीसरे भाव पर, तो जातक को पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, संघर्षी बनाएगा, सब कुछ जीवन में शनि जातक से मेहनत करवाने के बाद देगा। लेकिन जो छोटे भाई बहन हैं उनसे कहीं ना कहीं मतभेद करा देगा, जो छोटे भाई बहनों का जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देगा। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में है तो फिर छोटे भाई बहनों का विकास भी होता है, फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि शनि सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन में डिले करवाता है, देरी से विवाह के योग बन जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि शनि सप्तम भाव में बैठा होता है और जातक कहता है कि शास्त्री जी शादी नहीं हो रही है, उम्र निकलती जा रही है, शनि बैठे हैं शादी में डिले करवा देते हैं। यदि अशुभ प्रभाव में है तो जिसकी शादी हो रखी है उसका डिवोर्स भी करवा देते हैं। यदि बुरे प्रभाव, यदि राहु के साथ युति में आ जाए, मंगल के साथ युति में आ जाए, क्रूर ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ जाए, अशुभ प्रभाव में आ जाए, तो फिर विवाह को तुड़वा देते हैं, पत्नी के साथ मतभेद करवाने वाले होते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि शनि के अंतिम परिणाम की तरफ जाइए। शनि आपको अगर रगड़ रहे हैं, यदि शनि आपको धो रहे हैं, शनि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक कारण होता है। शनि आपको योग्य बना रहे हैं, शनि आपको कुछ देना चाहते हैं, उसके योग्य आपको बना रहे हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनि देर सवेर आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगे ही करेंगे, लेकिन विलंब से करेंगे। अब यहां से दृष्टि जाएगी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर, तो
अतिश्रेष्ठ है, जातक को भाग्य का सहारा मिलेगा, शादी के बाद जातक का भाग्य उदय होगा, इस प्रकार का योग यहाँ पर शनि बना देते हैं। अब विलंब तो होगा ही हर चीज में, यदि अशुभ प्रभाव में है तो भाग्य उदय में भी थोड़ा सा विलंब होगा, क्योंकि शनि वैसे भी यदि भाग्येश बनते हैं तो लगभग 35-36 की उम्र में जा करके भाग्य उदय करवाते हैं, तो ये डिले करते हैं। तो यहाँ से दृष्टि जाएगी लगन पर, तो वही बात, जातक के हर काम में डिले होगा, वो जातक को सुख मिलेगा लेकिन देरी से मिलेगा। कोई काम 2 दिन में होना है तो उसमें 20 दिन लगेंगे, 5 दिन में होना है तो 25 दिन लगेंगे, इस प्रकार के से वो हर काम में डिले करवाएगा। अशुभ प्रभाव में है तो जातक को स्वार्थी भी बनाएगा, झूठ बोलने वाला भी बनाएगा। जातक झूठ बोलते हुए भी देरी नहीं लगाता है यदि अशुभ शनि का प्रभाव यहाँ पर है तो। यदि लगन पर अशुभ शनि का प्रभाव आ जाता है तो जातक स्वार्थी हो जाता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हुए वो अधिक समय नहीं लगाता है। अब दशम दृष्टि की बात करें, यहां से दशम दृष्टि जाएगी सुख भाव पर, तो माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी करेगा, माता को हड्डियों संबंधित रोग दे सकता है, श्वास संबंधित रोग दे सकता है। भूमि भवन वाहन का सुख जातक को भरपूर मात्रा में मिलेगा, देर सवेर सुख मिलेगा। अब बात करिए यदि शनिदेव अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए, तो अष्टम भाव के चलते वही बात, जातक तंत्र मंत्र इन विद्याओं का अच्छा जानकार होता है। अगर जानकार नहीं होता है तो पर अपने पैसे इन चीजों के पीछे पीछे बर्बाद करने वाला होता है। अगर अशुभ प्रभाव में है तो दुर्घटना, चोट चपेट से छोटे मोटे एक्सीडेंट, ऑपरेशन जैसी समस्याएं शनि यहाँ पर बैठ करके कर देता है। गुप्त विद्या, गुप्त चीजों का ये भाव है तो गुप्त अंगों पर शनि रोग दे देता है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का विचार भी हम शनि से ही करते हैं। यदि शनि यहाँ पर आकर के बहुत ही बुरी तरह से अशुभ प्रभाव में आ जाए तो फिर ये समस्या यहाँ पर देने लग जाता है, जातक को रोग भी दे देता है, श्वास का रोग, घुटने संबंधित रोग, हर क्षेत्र में विलंब करवाना, संघर्ष करवाना, व्यवसाय में भी नुकसान करवा देना, आय कम खर्चे अधिक, इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देता है यदि शनि अशुभ प्रभाव में है तो। यदि शुभ प्रभाव में है तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है वो कार्य भाव पर जाएगी, तो कार्य में विशेष सफलता दिलाने वाला होता है। यदि अशुभ प्रभाव में है तो फिर वो विलंब करवाने वाला होता है, देरी हर क्षेत्र हर काम में। अगर व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में देरी से सफलता मिलती है, नौकरी करता है तो कहीं ना कहीं बॉस के साथ मतभेद होता रहेगा, देरी से नौकरी का जातक को सुख मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ से जब सप्तम दृष्टि धन भाव पर जाती है तो जो संचय धन होता है वो भी जातक का कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की विद्याओं के पीछे बर्बाद होने लग जाता है। जो कुटुंब है उसमें भी मतभेद होने शुरू हो जाते हैं, जो वाणी है वो भी कठोर हो जाती है, कटु वचन बोलने वाला जातक हो जाता है, जिसके चलते शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है और फिर कहीं ना कहीं शत्रु भय बना रहता है यदि अशुभ प्रभाव में है तो। अब बात करें दशम दृष्टि की, यहां से अगर दशम दृष्टि की बात करें तो जाएगी ज्ञान भाव पर, तो जातक के ज्ञान में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में डिले होगा। अब बात करें शनि यदि भाग्य भाव में आकर के बैठ जाए तो अति श्रेष्ठ हो जाता है, भाग्य का सहारा जातक को भरपूर मात्रा में मिलता है लेकिन अंतिम क्षणों में जाकर के, क्योंकि जब भाग्येश बनते हैं तो शनि 35-36 की उम्र में जाकर के भाग्य उदय करवाते हैं जातक का। जातक जो चाहता है हर वो चीज मिलेगी, हर वो चीज जातक को मिलेगी यहां पर शनि बैठने के चलते। जातक अध्यात्म का जबरदस्त ज्ञाता हो जाता है, धर्म के प्रति जातक की जबरदस्त रुचि देखने को मिलती है, तीर्थों की यात्रा जातक करने वाला होता है, पिता का सुख जातक को भरपूर मात्रा में मिलता है। जातक की जो उच्च शिक्षा होती है, यहां से प्रारंभिक शिक्षा और यहां से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, तो जातक की उच्च शिक्षा बड़े अच्छे लेवल की शनि यहाँ पर बैठ करके करवा देते हैं यदि शुभ प्रभाव में है तो। अब यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है जाएगी आय भाव पर, तो आय जातक की जबरदस्त होगी, एक से अधिक आय के साधन बनेंगे, भाग्य के बल पर कोई न कोई आय का साधन बनता रहेगा, आय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शनि भाग्येश बनकर अर्थात भाग्य भाव में बैठ करके जातक की जबरदस्त आय करवाता है। आय कैसी, जातक जहाँ भी हाथ डालेगा वहीं से पैसे
भरपूर मात्रा में आएंगे। लेकिन जातक को चाहिए कि हमेशा वो दो नंबर का पैसा ना कमाए, क्योंकि यदि शनि देता है, आरंभ में खूब देगा, यहाँ पर बैठा हुआ खूब देगा, लेकिन लेता भी फिर उसी गति से है। इसलिए दो नंबर के पैसे से बचें, एक नंबर के पैसे से संतुष्ट रखें, तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शनि यही चाहता है कि आप बुरे कर्म मत करें, जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको न सताएं, लोगों की सहायता करें। अपना जो पैसा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसे आप लोगों की सहायता करने में इस्तेमाल करें, शनि यही चाहता है। अब यहाँ से जब दृष्टि जाएगी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर, तो जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, भाग्य के पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। छोटे भाई बहनों के साथ यदि अशुभ प्रभाव में शनि है तो थोड़े बहुत मतभेद बने रहेंगे। वहीं बात करें दशम दृष्टि की, अब शनि यहाँ से दशम दृष्टि से ऋण भाव को देखता है, तो जातक ऋणी होगा, जातक के शत्रु अधिक होंगे, मित्र कम होंगे, छोटे मोटे रोग होंगे, लेकिन नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे, नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि यहाँ बैठा हो, यहाँ दृष्टि डाल रहा हो, तो जातक को हमेशा शत्रुहंता बना देता है। शत्रुओं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, शत्रुओं के पीछे भागने की जातक को आवश्यकता नहीं है, जातक का शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब बात करें शनिदेव दशम भाव में, यदि शनिदेव दशम भाव में आकर के बैठ जाए तो आपको श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाले बन जाते हैं। शर्त एक है, ये अकेले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये इस भाव के कारक हैं। शनि यहाँ 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 यदि अकेले बैठेंगे तो नुकसान करेंगे, या किसी शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो ये आपको फायदा पहुँचाएंगे, या फिर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाएं, या फिर किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, तो ये आपके लिए लाभकारी होंगे। तो यहाँ पर यदि शनि आपके बैठे हैं तो आप लोह संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, तेल संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में लगने वाला जो सामान है उस संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं, कृषि संबंधित क्षेत्रों में अच्छी खासी सफलता शनिदेव दिला देते हैं, आप शराब आदि के क्षेत्रों में भी व्यापार कर सकते हैं। आप शनि से संबंधित जितने भी विषय हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, यदि उन संबंधित आप व्यापार करते हैं तो आप बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं, कोयले का व्यापार आप कर सकते हैं। मैंने बहुत ऐसी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनके शनि जिनके दशम भाव में बैठे हैं और वो लोह क्षेत्र में गए हुए हैं, लोहे संबंधित व्यापार कर रहे हैं, या फिर तेल संबंधित व्यापार कर रहे हैं, तो वो बहुत बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हैं। तो यहाँ से बैठा शनि आपको नौकरी में भी श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला होता है, लेकिन व्यापार में ये डिले करवाएंगे, क्योंकि ये लंबा व्यापार देते हैं, आपको बहुत बड़ा उद्योगपति बनाते हैं, तो इसके लिए आपको सब्र रखना होता है। क्योंकि शनि, मैं बार बार कहता हूँ कि शनि के आप अंतिम परिणाम को देखिए, शनि जो शुरुआती दौर है उसमें इतना अच्छा फल नहीं देते हैं, अपने उत्तरार्ध का फल, अपना जो अंतिम फल है, अंतिम परिणाम जो शनि का है वो बहुत श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ से बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि से ऋण भाव को देखते हैं, तो ऋण ये करता कराते रहेंगे, जातक अपने उद्योग को चलाने के लिए, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए ऋण भी लेता रहता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है यदि शुभ प्रभाव में है तो। अब यहाँ से बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देखते हैं, तो माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी कर देंगे, माता को हड्डी संबंधित रोग दे देंगे, लेकिन भूमि भवन का सुख भरपूर मात्रा में जातक को मिलेगा। वाहन सुख, क्योंकि सवारी सुख शनि देव जबरदस्त करवाते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों का जो सुख है वो जातक को दिलाते हैं। पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे यहाँ पर बैठ करके। अब यहाँ से जो दशम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ती है, तो पत्नी के साथ कहीं ना कहीं मतभेद खड़े कर देंगे, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, मतभेद, अर्थात यहाँ पर पत्नी के साथ जो रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं अनबन बना देंगे यदि अशुभ प्रभाव में है तो। अब बात करें यही शनिदेव यदि ग्यारहवें भाव यदि आय भाव में बैठ जाएं, तो जातक को पैसे की कमी नहीं रहती, जबरदस्त आय। शनि यहाँ पर बैठ करके जातक को इतना पैसा देते हैं, जातक कहीं भी हाथ डाले वहीं से पैसा भर भर के आता है, दो नंबर का पैसा बहुत आता है। यदि आप दो नंबर का पैसा कमाते हैं तो सावधान हो जाइए, यदि आपने दो नंबर का पैसा बहुत ज़्यादा कमाया और दासों की सेवा नहीं की, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनकी आपने सहायता नहीं की, तो
तो फिर शनि जिस गति से आपको दे रहे हैं उसी गति से आपसे छीन भी लेंगे। अब यहां से दृष्टि जाएगी लगन पर, तो वही बात, जातक के हर काम में विलंब करवाएंगे, देरी से करवाएंगे। यदि अशुभ प्रभाव है तो जातक स्वार्थी, ईर्ष्यालु, झूठ बोलने वाला, समाज में अपमान का सामना करने वाला, इस प्रकार की समस्या जातक से करवाते हैं। शनि करते क्या है? शनि आप का जो मन है उसको काबू में करके आपसे कोई ना कोई ऐसा निर्णय दिलवा देते हैं, ऐसा कार्य आपसे करवा देते हैं जिसके चलते आपको समाज में अपमानित होना पड़ता है, बड़े दुख आपको झेलने पड़ते हैं। अब यहां से दृष्टि जाएगी, यहां से बैठे दृष्टि जाएगी ज्ञान भाव पर, तो यहां पर जो संतति सुख है, संतान सुख है, उसमें विलंब करवाते हैं। जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी उतार चढ़ाव लगा के रखते हैं, ज्ञान में हमेशा वृद्धि करते हैं। जातक ज्ञानी होता है, अपने ज्ञान के बल पर आय बनाने वाला होता है। अब यहां से जो दशम दृष्टि है, आय भाव से दशम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो जातक को चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इस प्रकार की समस्या होती रहेगी। तंत्र मंत्र विद्याओं का जातक ज्ञाता होगा या फिर तांत्रिकों के चक्र में आकर अपने संचय धन का नाश करने वाला होगा। अब बात करें द्वादश भाव की। यदि शनिदेव द्वादश भाव में बैठ जाएं तो जातक के मोक्ष के द्वार खोल देता है। यदि जातक अच्छी दिशा में चल रहा है तो जातक को मोक्ष दिलाने वाला होता है। हर प्रकार का भोग जातक को यहाँ पर शनि बैठ करके दिला देता है। और यदि जातक की लाइन गलत है, गलत दिशा में भटका हुआ है, अर्थात अशुभ शनि आकर के बैठ गया है, तो फिर जातक को जेल यात्रा भी करवा सकता है, राजदंड भी दिलवा सकता है, विदेश में सेटल भी करवा सकता है, जातक का जो संचय धन है उसको भी खर्च करवा सकता है। अब यहाँ से जो तीसरी दृष्टि धन भाव पर जाएगी, तो जातक का जो संचय धन है उसमें भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जो पैतृक संपत्ति है, जो अचल संपत्ति है, जातक को वो भी बेचनी पड़ सकती है। जातक से कोई ना कोई शनि ऐसा कार्य करवाएगा, उसके चलते आपको बड़ी समस्या होगी, और उस समस्या को हटाने के लिए आपको अपनी जो अचल संपत्ति है वो भी बेचनी पड़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, जिसका शनि यहाँ पर बैठा है और यहाँ दृष्ट है, तो हर किसी भी क्षेत्र में हम कोई कार्य करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से हमें करना चाहिए। अब यहाँ से जो सप्तम दृष्टि ऋण भाव पर आती है, तो जातक का ऋण बढ़ता है, शत्रु बढ़ते हैं, छोटे मोटे रोग होते हैं, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। शनि जन्म कुंडली के जो छठा भाव है, जब जब शनि इस छठे भाव से संबंध बनाता है, तो आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप शत्रुओं के पीछे मत भागिए, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शनि हमेशा शत्रुहंत आपको बनाता है। अब जो दशम दृष्टि है, यहाँ से जो दशम दृष्टि है भाग्य भाव पर आती है, तो भाग्य का सहारा जातक को मिलता रहता है, भाग्य की बदौलत जातक को हर सुख मिलता है, लेकिन वही बात, देरी से, क्योंकि ये मोक्ष का भाव है, यहाँ मोक्ष का विचार किया जाता है, यहाँ धर्म का विचार किया जाता है। तो जातक अगर अध्यात्म की तरफ अग्रसर है, अध्यात्म में रुचि रखने वाला है, तो जातक को मोक्ष भी मिल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बताया मैंने जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि किस प्रकार का फल आपको दे रहे हैं। आपने अपनी जन्म पत्रिका में देखा होगा कि शनि कौन से भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, शनि जो है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपना फल बदलते रहते हैं। वो जन्म कुंडली में देखना होता है कि कौन सी राशि में बैठे हैं, किस ग्रह से वो दृष्ट हैं, और किस प्रकार का बल लेकर के बैठे हैं, उसी हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से इनके फल में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, एक बात हमेशा याद रखना है, यदि शनि की साढ़े सती से बचना है, बुरे क्रम से बचना है, शनि के कुप्रभाव से बचना है, तो कभी भी जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो दास लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके दिल को मत दुखाइए, उनका हक मत खाइए। यदि आपने उनका हक खाया तो ये समझ लेना कि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हो रहे हैं, और खराब शनि आपको क्या फल दे सकते हैं इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। आप दासों की सहायता करें, मजदूरों की सहायता करें, जितना बन पड़े उनकी सहायता करें, तो शनि आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में आएंगे, तो आपको शनिदेव भरपूर मात्रा में लाभ देंगे, सफलता देंगे, किसी प्रकार की समस्या होने नहीं देंगे, तो फिर समस्या कुछ है ही नहीं। तो प्रिय दर्शकों,
समय बहुत काफ़ी हो चुका है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें एवं वीडियो को लाइक कमेंट एवं शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।